हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉच बिफोर बाय। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अल्ताफ और आप जो चैनल देख रहे हो इसका नाम है वॉच बिफोर बाय। रमजान जो है दोस्तों शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर जो है दोस्तों कुछ वीडियोज डाली थी फ्लिपकार्ट की, जो सबसे बड़ी सेल आती फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, ये जो दो सेल आती साल की सबसे बड़ी वाली सेल होती है, और वहाँ पे जो आपको आईफोन्स पे अच्छे खासे प्राइस डिस्काउंट देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग जो आईफोन्स वगैरह लेने का सोचते हैं इस वाली सेल के अंदर, तो मैंने जो है नॉन प्रो सीरीज पे जो है सारे कवर कर लिए, जैसे 12 मिनी, 13, 14, 14 प्लस, ये सारे जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं मैंने इसके लिए जो है डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं, जिस पे आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है दोस्तों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। उसके जो लिंक्स हैं मैं जो है आई बटन पे डाल दूंगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अगर आप लोग कोई नॉन प्रो सीरीज बाय करने या सोच रहे हो ये दो बड़ी सेल के अंदर, अभी फिलहाल सेल में टाइम है 5 से 6 महीना बाकी है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मैंने प्रैक्टिकल प्राइस एनालाइज करके बताया आप लोगों को कि कितना प्राइस देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप लोग बाय वगैरह करने या सोच रहे हो तो अभी से एक बजट बना सकते हो, वो वाली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन पे मिल जाएगा, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। आज के इस वीडियो में जो है दोस्तों प्रो सीरीज के बारे में बात करेंगे। मेरे प्रीवियस उसी वीडियोस पे जो है काफी लोग कमेंट आ रहे थे भाई कि 13 प्रो एंड 14 प्रो प्रो मैक्स पे क्या डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है, उस पे रिलेटेड वीडियो बनाओ, हमें जो है एक प्रो सीरीज बाय करनी है। तो आप कैसे हैं कि यहां पे अगर आपको जो है मैं प्रैक्टिकल प्राइस एनालाइज करके बताने वाला हूं कि 13 प्रो प्रो मैक्स एंड 14 प्रो प्रो मैक्स का क्या प्राइस डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है हमें फ्लिपकार्ट बेबी डी सेल और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। और साथ ही दोस्तों वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देना चाहूंगा आप लोगों की, आपको ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आप जो है कम से कम में अपना आईफोन जो है प्रो वाला मॉडल ले सकते हो। दोस्तों सारी चीजें बताने वाला हूं, मोस्टली आपको वीडियो के एंड में कुछ टिप्स भी देने वाला हूं। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना। दोस्तों अभी फटाफट से जो है आपको अपने लैपटॉप शेयर कर लेता हूं और बता देता हूं क्या एक्सपेक्टेड प्राइसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे जो है मैंने एप्पल आईफोन 13 प्रो 128GB बेस वेरिएंट जो ओपन कर लिया है फ्लिपकार्ट में, और जो इसका करंट प्राइस अभी आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा है वो है 119,900, यानी कि 120,000 के आसपास। और यहाँ पे हमेशा जो प्रो सीरीज है उसके जो है प्राइस डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिलते, साल भर मोस्टली एक ही प्राइस पे स्टक रहते हैं। जब कोई बड़ी सेल आती तभी आपको जो है उस पर प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, बाकी साल भर जो है मोस्टली एक ही प्राइस आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अभी आईफोन 13 प्रो बेस वेरिएंट जो है 120,000 रुपये का है, इसका थोड़ा प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितना ड्रॉप देखने के लिए मिला था हमें। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो है सितंबर में हमें जो है प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिला है। दोस्तों अब दोस्तों सितंबर में ही जो है ये सेल आई थी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2022 में, तो यहां पे आप लोगों को मैं थोड़ा जूम इन करके प्राइस दिखा देता हूं कितना ड्रॉप देखने के लिए मिला था। तो देख सकते हो यहां पे जो है सितंबर 21 सितंबर के दिन आप प्राइस देखिए, अभी जो प्राइस देखने के लिए मिला था वही प्राइस है 120,000 के आसपास, 119,000। और जैसे ही मिडनाइट 12 बजे जो है सितंबर 22 लग गया, प्राइस यहां पे ड्रॉप हो गया, प्राइस देख सकते हो आप लोग 97,990 गया था। और बहुत से लोगों ने जो है बैंक कार्ड ऑफर्स लगा के इसको 91,000-92,000 तक भी बाय किया था, जैसे आप लोग अभी पोस्टर में देख सकते हो दोस्तों। तो यहां पे इतना प्राइस ड्रॉप हमें कुछ देखने के लिए मिला था, तो ये तकरीबन जो है 24 से 25 हज़ार के आसपास जो है डिस्काउंट देखने के लिए मिला था। बट अगर मैं बात करूं इस साल 2023 में हमें आईफोन 13 प्रो पे कितना ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है, तो देखिए अभी जो है 120,000 का प्राइस है, बट लास्ट ईयर आईफोन 14 आया, तो अभी इस साल की जो फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल है आपको जो है 14 प्रो मैक्स पे भी डिस्काउंट मिलेगा। तो डेफिनेटली जो है 13 प्रो का जो बाय डिफॉल्ट अभी जो प्राइस आप लोग देख रहे हो ना ये वाला तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ऑन एन एवरेज आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि ये वाला प्राइस मान लीजिए 105,000 तक भी होता है, बिकॉज आईफोन 14 प्रो ही नॉर्मली 120,000 तक आ जाएगा उस टाइम पे, उस पर हमें जो है तकरीबन 24-25 हज़ार का भी डिस्काउंट मिलता है। लेट सपोज लास्ट ईयर जो है तकरीबन लोगों ने जो है 5 से 6 हज़ार रुपये का डिस्काउंट लगाया था, तो 92-93 में पड़ा था, तो तकरीबन 26,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है बैंक कार्ड ऑफर्स के साथ। तो आप लोग देख सकते हो 79,000 के आसपास जो अमाउंट आ रहा है, हो सकता है इसमें भी आपको और एडिशनल डिस्काउंट देखने के लिए मिले। सर जिसके पास फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड है वहाँ पर एडिशनल 5% का कैशबैक वगैरह लगाने के बाद तकरीबन आप लोग जो है 75,000-80,000 के बीच में आईफोन 13 प्रो इजीली बाय कर सकते हो स्टार्टिंग कुछ मिनट्स के लिए, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएगा। अब अगर बात करें आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में, तो नॉर्मली प्रो एयर प्रो मैक्स के बीच में जो है सेल के दौरान तकरीबन जो है 7,000 रुपये का प्राइस गैप आता है, तो आप लोग जो है इसमें 7,000 रुपये ऐड कर लो उतना ही बढ़ेगा 13 प्रो मैक्स का, तो बस उतना ही चेंजेस आएगा दोस्तों प्रो मैक्स वाली सीरीज पर 7,000 रुपये बढ़ जाता है। अब बात करें अगर आईफोन 14 प्रो के बारे में दोस्तों, तो आईफोन 14 प्रो जो है लास्ट ईयर का ही मॉडल है, अभी के आपसे 6 मंथ हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इसका प्राइस आप लोग देख सकते हो 123,000 के आसपास है। ठीक है, ये वाला प्राइस भी जो है थोड़ा सा ड्रॉप देखने के लिए मिल जाएगा हमें सेप्टेम्बर तक जब सेल चालू होगी, लेकिन सेल में कितना डिस्काउंट मिलता है वो यहाँ पे जानने वाली बात है। तो हमें जो है प्रो सीरीज को जो है मेजर करने के लिए लास्ट ईयर 13 प्रो का ही जो डिस्काउंट हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो तकरीबन 26-27 हज़ार का डिस्काउंट मिला था 13 प्रो पे हमें, राइट। तो यहाँ पे जो है डिस्काउंट मार्जिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो 14 प्रो पे भी हम जो है एक हिसाब लगा लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो है 119,000
900 तक चला जाएगा तब तक इजीली, नॉर्मल रॉ प्राइस, इस पर कोई डिस्काउंटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें मोटा मोटा 26-27 हज़ार का भी ऑफ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, तो 93,900। अभी इसमें मैंने जो है बैंक कार्ड्स नहीं लगाए हैं, बैंक कार्ड ऑफर्स लगाने के बाद जो है मान लो अगर आप मोटा मोटा 3,000 रुपये भी ऑफ कर लेते हो मिनिमम, तो भी जो है 90,000 रुपये में आपको आईफोन 14 प्रो ये वाली सेल में देखने के लिए मिल जाएगा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, आईफोन 13 प्रो एंड प्रो मैक्स जो है इस बार आपको फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल पे नहीं, अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी 13 प्रो एंड प्रो मैक्स जो है लास्ट ईयर ऑलरेडी जो है फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में आ चुका है दोस्तों। तो इस बार जो है दोस्तों 13 प्रो एंड प्रो मैक्स जो है आपको अमेजोन पे देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज पिछले 2-3 साल का ग्राफ अगर हम देखें तो जो भी लेटेस्ट सीरीज आती है आईफोन की वो जो है आपको अगले साल फ्लिपकार्ट पे ही सबसे पहले देखने के लिए मिलती है, और जो 2 साल पुरानी सीरीज होती है वो जो है आपको अमेजोन पे देखने के लिए मिलती है। जैसे अगर हम मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो हमें 12 वाली सीरीज जो है अमेजोन पे डिस्काउंट देखने के लिए मिलती है और 13 वाली सीरीज फ्लिपकार्ट पे, तो इस साल भी वैसे होगा। 14 वाली जो लेटेस्ट सीरीज है वो जो है आपको फ्लिपकार्ट पे ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और 13 वाली जो सीरीज है 13 प्रो 13 वगैरह आपको अमेजोन पे देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को 13 प्रो एंड प्रो मैक्स में प्राइस गैप बताया कि 7,000 रुपया गैप होता है, सेम गोज विद 14 प्रो एंड प्रो मैक्स। 14 प्रो जैसे अगर आप लोग को 90,000 तक भी मिलता है तो 14 प्रो मैक्स पे आप 8,000 एडिशनल लगा लो, यानी 1,00,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। अब ये जो प्राइसेस मैं बता रहा हूँ ना, ये सेल स्टार्ट होती है जब 12 बजे ना, स्टार्टिंग कुछ मिनट्स के लिए ही रहते हैं, हार्डली 2 या 5 मिनट के लिए, उसके बाद जो है प्राइसेस बढ़ जाते हैं और विद इन दैट 5 मिनट्स ही वो जो है काफी सारे आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं दोस्तों। अब मैं आप लोग को दोस्तों जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 13 प्रो प्रो मैक्स एंड 14 प्रो प्रो मैक्स का एक्सपेक्टेड प्राइस तो पता चल गया कि इतने तक हमें जो है देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली क्या है कि बहुत से लोगों का जो है उतना भाई बजट नहीं बैठ पाता है, और अभी ये सेल को जो है टाइम है, ये जो सेल है प्रॉबेबली सेप्टेम्बर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिल सकती है, बट आप लोग को अगर अभी बाय करना है 1-2 महीने के अंदर तो आप लोग जो है दोस्तों यही सारे मॉडल्स डिस्काउंटेड प्राइस में सेकंड हैंड ले सकते हो। यानी कि क्या होता है बेसिकली कि जब नया सीरीज आ जाती है आईफोन की कोई भी, तो पिछले जितने भी लाइनअप होते हैं सबका जो है प्राइस ड्रॉप हो जाता है। तो अभी आपको नॉर्मल सेकंड हैंड मार्केट में भी अगर आप जाते हो तो आप लोग को तकरीबन 13 प्रो जो है तकरीबन 70,000 के आसपास में देखने के लिए मिल जाता है, 70-75,000 के आसपास में, अगर कंडीशन है और वारंटी थोड़ी बहुत बची हुई है और बिल बॉक्स सब कुछ सही से मिल रहा है आप लोग तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। आप लोग को 6 महीना और वेट करने की जरूरत नहीं, अगर वेट करते हो तो वहाँ पे तो और डिस्काउंट प्राइस मिल ही जाएगा आपको तकरीबन जैसे मैंने आप लोग को बताया। बट अगर आप लोग अभी बाय करना तो 70-75,000 में आपको 13 प्रो देखने के लिए मिल जाएगा इजिली मार्केट में, ठीक है, और 13 प्रो मैक्स पे और 5-7 हज़ार बढ़ा लेना। अब सेम गोज विद 14 प्रो प्रो मैक्स पे उतनी डिस्काउंट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप लोग को जो है अगर 14 प्रो न्यू में जो है अभी 1,23,000 जो चल रहा है तो तकरीबन सेकंड हैंड में आप लोग को 1,00,000 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, और सेम गोज विद 14 प्रो मैक्स 5-10 हज़ार रुपये ऊपर बढ़ा लेना। अब लेना कहाँ से दोस्तों, अब बहुत से लोगों को डाउट हो गया कि सही मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए कैसा दोस्तों, मेरे चैनल पर जो है काफ़ी सारे मुंबई के अंदर मार्केट व्लॉग्स भी मैंने बनाए, मोबाइल सेकंड मोबाइल मार्केट के व्लॉग, जहाँ पे आपको कंडीशन में आईफोन सारे मिल जाते हैं आप लोग के लिए। जो है मैं डिस्क्रिप्शन में सारे जो है शॉप्स के लिंक दे दूंगा जहाँ जहाँ पे मैंने शूट किया है, मुंबई के अंदर जो है अंधेरी में मैंने शूट किया है और बोरीवली में मैंने शूट किया है, घाटकोपर में मैंने शूट किया है, ठीक है, भाईकला में मैंने शूट किया है। तो यहाँ पे सारे जो वीडियोज़ हैं मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को जो है उनके लिंक्स डाल दूंगा, एक बार आप लोग वीडियो जाकर चेकआउट करो। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उस शॉप ओनर के नंबर्स भी मिल जाएंगे, आप लोग ओवर द फोन बात कर लो। कुछ शॉप्स जो है आपको ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं तो बात वगैरह कर लेना। आपके पास ये एक ऑप्शन है बाय करने का सेकंड हैंड। सेकंड ऑप्शन आपको और एक बता देता हूँ कि आपके पास अगर थोड़ा आपको सर्टिफाइड जाना है, आप लोकल शॉप से नहीं लेना चाहते, थोड़ी सर्टिफाइड शॉप से लेना चाहते हो, तो मैंने जो है कैशिफाई पे भी वीडियो बनाया, कैशिफाई वाली वीडियो का भी जो है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड मोबाइल्स मिलते हैं और एक डिसेंट प्राइस में आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है, बजाज के कार्ड्स अमेजोन वगैरह पे जो है कैशबैक भी मिलते हैं आप लोग को वहाँ पे, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास OLX, बट OLX तो बहुत स्मार्टली आपको बाय करना होता है। OLX पे जो आप अपने साथ ऐसे कोई फ्रेंड या फैमिली को किसी को लेकर जाओ जिसको अच्छी खासी नॉलेज है, जो प्रॉपर चेक कर सके, और जिस पार्टी से भी आप मिल रहे हो OLX पे प्रॉपर आप आधा पौना घंटा चेक करो मोबाइल, अगर आप सेटिस्फाइड हो तभी आप बाय करो दोस्तों। तो ये कुछ ऑप्शन है सेकंड हैंड में अगर जाना चाहते हो। बट एक चीज़ है सेकंड हैंड में 2-3 चीज़ें देखना जरूरी है, बिल बॉक्स ओरिजिनल है कि नहीं, IMEI नंबर वगैरह मैच करके देख लेना। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग ये भी चेकआउट कर लेना कि हो सकता है तो अगर वो वारंटी में है, यानी 2-5 महीना भी वारंटी बची है तो वो कंडीशन में ही होगा, पीस वैसे ही पीस लो, ज़्यादा ओल्ड मत ले लेना 2-2.5 साल पुराना, वो सेंस नहीं बनाएगा, उसमें आपको एडिशनल खर्चा लगेगा। कैसे सेकंड मोबाइल चेक करना है उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई मेरे चैनल पे है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोस्तों। तो जो भी ये सारी रिलेटेड है मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबाना। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बहुत से लोग जो है 12 प्रो के लिए भी पूछ रहे थे, तो
दोस्तों कैसे 12 प्रो एंड प्रो मैक्स ऑलरेडी आउटडेटेड हो गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई सेल में वो इस बार हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो हर जगह से जो है आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि 12 प्रो या प्रो मैक्स पे भी कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं उसके रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। सो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना। थैंक यू एंड बाय।